तेरे यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे हो जाता है सवेरा, मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना। हैप्पी करवा चौथ सबको। आज इन्होंने भी रखा है करवा चौथ का पहला व्रत। तो देखते हैं जैसे कैसा रोज सिर जाएगा। पाया गया, मैं मैंने क्या बताऊँ ऐसा कुछ नहीं बस। करा, बट सुबह इन्होंने थोड़ा सा पोहा ले लिया था, उसके बाद से नहीं ले रहे कुछ कि आज मेरा व्रत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। है। नहीं, दिन में लंच भी नहीं लिया है और अब शाम हो गई है बस अभी सर, मेरे रखते सर में हुए, बहुत तेज दर्द हो रहा है और आज। मैं बहुत बिजी थी पूजा एंड सब में, तो मैंने कोई वीडियो इसलिए बनाई नहीं। मैं अब यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप मेरा लुक देख सकते हैं आज का, देखो। मिलते हैं शाम को जब हम चांद देख के व्रत खोलेंगे दोनों, और फिर उसके बाद हम रेस्टोरेंट खाना खाने जाएंगे, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी बनाने की अभी। और पूजा हमने वीडियो कॉल पे ही कर ली थी मेरी सास सासू मॉम ने, तो वो हो चुकी है डन। तो बस अब हमारा चांद देख के व्रत खोलना बाकी रह गया है, तो वो खोलेंगे हम। ये दीक्षा आज वीडियो बनवाना जा रही है, बट ये फायर अलार्म बच चुका है और ये फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है आई गेस यहाँ पे। फायर अलार्म जो ये बज रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है, उसकी वजह से 4 मंजिल हमें नीचे उतर के जाना पड़ेगा मैडम और 4 मंजिल चलिए, चढ़ के आना पड़ेगा। जल जल जाएगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का, यहाँ फालतू में फायर अलार्म बजता रहता है। पता नहीं किसने, बहुत लगता है किसी ने हवन कर दिया सच में। एंड अभी भव्य नीचे गए हैं, अब मुझे नहीं पता, शायद मुझे भी जाना पड़े, बट मेरी हालत नहीं है भूखे पेट प्यासी नीचे उतरने की, 4 मंजिल लंदन चढ़ के आने की, क्योंकि फायर अलार्म में लिफ्ट बंद हो जाती है एंड आई डोंट नो कि आग लगी हुई है या नहीं। सो लेट्स सी। इट्स सो इरिटेटिंग कि मुझे बाहर आके खड़ा होना पड़ा इतनी ठंड में। नॉट टेम्परेचर है आज यहाँ का एंड इट्स सो इरिटेटिंग। कोई सीरियस फायर नहीं थी, बस ऐसे ही अलार्म बज रहे थे, आई डोंट नो, बट सब नॉर्मल था उसके बाद, कुछ भी सीरियस नहीं था। शाम के 5:45 हो रहे हैं और बस अब 3 घंटे और, 9 बजे तक मे भी चांद आ जाए, बाकी पता नहीं। बस हम दोनों वेट कर रहे हैं, ये तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, मैं भी इन्जॉय कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। इट्स माई फर्स्ट करवा चौथ, बट सनसेट हो चुका है, दैट्स अ रिलीफ। कैसा लग रहा है मूल व्रत रख के? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। भूख नहीं मैं लग तो रही चाहता तुम्हें? हूँ रोज रखूंगा। अच्छा। नहीं इतना मुझे जीना नहीं है। सच बताओ दुनिया वालों को। अच्छा इसलिए व्रत रखा गया है। रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। कब आएगा चांद? आने वाला है, कब बस आएगा चांद? पूछ के आया हूँ अभी थोड़ी देर में, कह रहा आ रहा हूँ भाई। कॉल करा। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। 9:10 हो चुके हैं, बट अभी तक चांद का कोई अता पता नहीं है, तो मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि मैं अब बैठ नहीं पा रही थी साड़ी में। तो ये मेरा एक येलो कलर का सूट है, मैं दिखाती हूँ, ये मेरा येलो कलर का सूट है, ये मैंने पहन लिया है। बहुत टायरिंग हो गया है आज का दिन, पता नहीं रात को, पता नहीं हम आके मैगी ना खा रहे हो, गॉड नोज।
कहाँ के अमूल? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बरसों की भूख मिट गई मेरी। पहली करवा चौथ का व्रत रखा है बॉम्बे जैन ने और मैंने था। अभी तक चांद का कुछ अता पता नहीं है, क्लाउडी होने की वजह से चांद नहीं दिख रहा है। आई एम प्राउड ऑफ ऑल द लेडीज एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ अभी चांद दिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। वो रहा चांद। गाइस गुड नाइट, अब मिलते हैं हम आपको दिवाली पे। दिवाली का ब्लॉग बनाएंगे और वो सरप्राइज है कि वो कहाँ मनाएंगे हम दिवाली। बाय बाय, गुड नाइट।